में बैठे हुए हैं। क्या मांगी है आपकी? हमारी मांगी है सर कि हमारे घर में मुकदमा चल रहा है और जान माल सुरक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ कई वाकया ऐसा हो चुका है लेकिन हमारी अभी कई सुनवाई नहीं हुई। आज हम DM साहब से पर्सनली मिलना चाह रहे थे, कहे कप्तान साहब के यहाँ भी कल गए, उन्होंने सीधे कह दिया कि हम ऐसा है कि घर खुल गया है ना उसी में रहो। सर हम कहाँ रहें, हमारे नीचे घर में सब्जी का दुकान है और ऊपर एक खुला रहने लायक नहीं है, पूरा सामान हमारा चोरी हो चुका है। कहने के बावजूद कई कई बार हमने कंप्लेन किया, इस बार 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 अवगत भी कराया जा रहा है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस पर से कहते हैं सब क्या कि थाने वाले कि कहीं भी सोर्स लगा लो, तुम्हारा कहीं सुनवाई नहीं होगी। हम चाहते हैं सर कि हमारे घर में सामान रखाया जाए और जो हमारे घर में कब्जा किए हैं उसको निकाला जाए। जब तक न्यायालय से डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक हमको उसमें रहने दिया जाए। अभी अच्छी लोग किए हैं सर जिससे मेरा मुकदमा चल रहा है। क्या नाम है उन लोग? उनका नाम विनय जायसवाल है, मनोज जायसवाल है और ये रब्बन है, राजन है, ये लोग उनसे सब मिले हुए हैं जो घर में अभी भी काबिज हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये सब गुंडे टाइप के हैं सर, अरविंद जायसवाल से मिले हुए हैं। बार बार कहते हैं क्या कि अरविंद जायसवाल हमारे रिश्तेदार हैं, हम जो चाहे सो कर सकते हैं, हमारा ऊपर तक पहुंच है और थाना ये सो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। थाने पे तो मेरा अच्छा खासा पर्चा, ये इनका फ़ोटो भी असर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जब ऐसे लोग का हाथ रहेगा सर तो हमारा कहाँ सुनवाई होगा? सीधे कहते हैं क्या कि हमारे तो ऊपर तक पहुँच है तो हम गरीब महिला बच्चों के लेके कहाँ जाएंगे? हमको कल मारते हैं पीटे भी और हमारे ऊपर 716 का धारा भी लगा दिया, जो बचाने गया उसके ऊपर भी धारा लगा दिया गया। बताइए इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रह गई आज के ज़माने में। ऊपर से एसओ साहब क्या जाके बोल रहे हैं तो कह रहे क्या तुम अपने हाथ से सामान फेंकी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम किरादार उस घर के, ठीक है जैतपुरा, ठीक है हम किरादार हैं, तुमको साबित किया जाए। हमारे ससुर से मुकदमा चल रहा है और उसके बावजूद भी मुकदमा के दौरान हमको निकाल दिया गया है। अभी मुकदमा से अगर कोई चीज़ नोटिस आया है या कोई चीज़ आया तो हमको दिखाया जाए कि बेवजह मुकदमा के दौरान हमको निकाल दिया जाएगा, घर में कब्जा दिया जाए दिला दिया जाएगा। ये थाना के मिली भगत से सारा काम हो रहा है, अभी भी हमारे घर में सामान चोरी है। हम आए हैं DM कार्यालय। क्या मुलाकात हुई है? नहीं अभी नहीं हुई, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं सर।